नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पर ब्रेड के साथ एक और नाश्ता बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये 4 ब्रेड स्लाइस। ये बासी ब्रेड हैं और आप चाहें तो फ्रेश का यूज कर सकते हैं, और यह कई बार जो कतरन बच जाती हैं आप उससे भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट हमें इनका क्रम ही बनाना है। और उसे बनाने के लिए बस हम ब्रेड को इस तरीके से तोड़ लेंगे, और इसके लिए तो हमें एजेस निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से तोड़ने के बाद में एक मिक्सी का जार लिया, उसमें इन सबको डाल दिया, ढक्कन लगा देंगे और इसका क्रम बना लेंगे। और देखिए क्रम बनकर तैयार हो गया है, बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 4 कच्चे आलू, और इसके लिए तो हमें आलू उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस कच्चे आलू को ही अच्छे से छील लेंगे, धो लेंगे। और लीजिए आलू छिल भी गए और अच्छे से धुल भी चुके हैं। और इसके बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये जो हमारी ब्रेड क्रम था इसमें से ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब डाल देते हैं 2 हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। और नमक डालते हुए ध्यान रखिए कि ब्रेड में भी नमक होता है। और अच्छी बाइंडिंग के लिए आप इसमें चाहें तो सूजी डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना बेसन, इससे इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। एक बार हल्के से मिक्स किया और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे, जिससे एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। इसका बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएं, कहीं ऐसा ना हो बैटर ज़्यादा पतला हो जाए। और लीजिए आधा कप पानी भी नहीं लगा और बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है, क्योंकि आलू में भी काफ़ी मॉइस्चर था। और उसके बाद मैंने लिया है प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और प्याज को अच्छे से काट लिया है, प्याज अच्छा बारीक काटें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही ले लेंगे हम थोड़ा सा पनीर, जिसे कद्दूकस कर लिया है। और ये मैंने लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा तीखा करने के लिए हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें, तीखा तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिला दिया, आप चाहें तो हरी मटर ले सकते हैं। और इधर जो हमने बैटर रखा था वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। और इस समय हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आप इसमें सोडा ना डालें वरना जो हमारा ये नाश्ता बनेगा लाल हो जाएगा। इसी बीच मैंने तवे को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, जिससे तवा अच्छे से गर्म हो सके। और हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे हम देसी घी के साथ अच्छे से चिकना कर लेंगे। और आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और अगर आप बटर के साथ बनाते हैं तो उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और तवा अच्छे से ग्रीस हुआ, उसके बाद हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना बैटर डाल देंगे। हमें इसे ना तो बहुत छोटा सा बनाना है और ना बहुत ज़्यादा पतला ही करना है। अच्छे से घुमा कर इसे राउंड शेप दे दी। हमने इसमें कच्चा आलू डाला है और पकने में वो थोड़ा सा समय लेगा, इसलिए इसे कवर कर देते हैं जिससे आलू पक सके। और करीब 1 ही मिनट में आलू हल्का सा पक गया है, और आप देख सकते हैं ऊपर से ये काफ़ी ड्राई हो चुका है, इसका मतलब है आलू पक चुका है। और उसके बाद हम थोड़ा सा देसी घी ऊपर से भी डाल देंगे, जिससे और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसे बिल्कुल बिना घी के भी बना सकते हैं। और टर्न करने के बाद में आप देख सकते हैं कि कलर काफ़ी अच्छा आया है। और ये मैंने ली है हरे धनिया की चटनी, अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। हल्का सा मीठा टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप, जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और जो स्टफिंग तैयार थी अब वो इस पर अच्छे से फैला देंगे। हमने इसमें कच्ची प्याज ली है, कच्चा पनीर लिया है, जिससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। परंतु आलू भी कच्चे हैं और पकने में समय लेगा, इसलिए फिर से कवर कर दिया और फिर से हम इसे करीब 1 से 1.5 मिनट पकने दिया। और अब इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, शेप आप अपने मन से कोई भी दे सकते हैं। और देखिए पीछे से भी बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बस इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम प्रोसेस से ही और बना लेते हैं। अच्छे से फैला दिया, कवर करके पका लिया, टर्न कर देंगे। और उसके बाद
धनिये की चटनी और टमाटो केचप लगा दिया, पनीर का मिश्रण लगा दिया, कवर किया और लीजिए ये भी पककर तैयार हो गया है। अब इसे भी फोल्ड कर देते हैं। और इसके बाद इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी बची हुई ब्रेड से नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, बच्चे और बड़े दोनों को पसंद आता है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।